तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ग्राउंडों से हरविंदर कल्याण के समर्थक यहाँ पर दर्शन मनाते हैं, दिखाई दे रहे हैं। मुकाबला जितना कड़ा सोच रहे थे उतना नहीं। सत्तर इंसान पिछली बार बना, सत्तर इंसान पूरे प्रदेश में कोई नहीं मिलेगा जैसे हरविंदर कल्याण। सच्चा ईमानदार कितनी 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 वोट से बताए, 4580 वोट लगभग, 4580 वोट से लगभग। सच्चाई की जीत हुई, कैबिनेट मंत्री बनेगा, एक बात पूछा विकास होगा। राहुल जी एक तरफा कर दिया, एक तरफा राहुल जी को ऐसे पूछना उसकी जलेबी की फैक्ट्री अब कहाँ लगेगी, हम उसी फैक्ट्री को उतारना चाहते हैं। बस हमारी अरविंदर कल्याण सच्चा इंसान है, मोरंडा की जनता ने काम देख कर वोट दिया है और अरविंदर जी ने हटी दी भाई, और अब की बार मंत्रिमंडल में देख सकते हैं हरविंदर कल्याण के जो समर्थक है, हरविंदर कल्याण के जो समर्थक है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचने वाले, कुछ ही देर में हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचने वाले, और उनसे पहले आप देख सकते हैं तमाम जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर भाई और सारे झूठी रिपोर्ट सारी होगी सारी फ्री। बीजेपी के काम जीते 10 साल के, कौन फैरी का वादा जीता, हरविंदर कल्याण का काम जीता, काम होता है जिंदाबाद, हरविंदर कल्याण दो महीने के मैं दिए या 10 साल की मैं आपको जिस तरह से जो चुनाव के नतीजे हैं एग्जिट पोल कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो एग्जिट पोल थे ना वो उसमें खरे नहीं उतर पाए, नहीं एक नहीं सभी के सभी जितने जो मीडिया कर्मी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल खरे नहीं उतर पाए अपने एग्जिट पोलों पे। जो आज बीजेपी ने कर दिखाया ना वो ही नहीं कर दिखा पाएगा। जो अपने चाचे जी अरविंदर कल्याण जी आज बहुत खुशी की लहर है पूरे हल्के में, बहुत अच्छे मार्जिन है जीती, सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। ये जो पंजाबी फ्रंट की असल में नींव रखी थी योगा सिंह विरक ने रखी थी, आजकल जो ये कांग्रेस वाले हैं ये पंजाबी को पंजाबी ही नहीं समझ रहे, कह रहे हैं कि ये तो पंजाबी नहीं है। जिन लोगों ने ज्यादा इसमें मेहनत की पंजाबी धर्मशाला के लिए, हमने सबसे ज्यादा मेहनत की और हम ही ने इसको लौट पा गया है, तो अपना भूपिंदर हुड्डा जी से, तो अपना सोनिया गांधी जी से, लेकिन आज ये कहते हैं ये लोग पंजाबी नहीं, हमारे भाषण को पंजाबी नहीं मानते ये लोग। फिलहाल आप देख सकते हैं कल्याण सिंह सबसे ज्यादा उपरंदर लाल करने के काम करने वाले हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे, मंत्री बनवा रहे, लड्डू लड्डू खा रहे। ये बताओ लड्डू का है, बर्फी का है, आपको बधाई हो। उसके बाद खट्टर साहब क्या क्या गए थे, बनते ही कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, तुरंत मंत्री बनाया जाएगा भाई साहब को, बनी भाई। आप भाई साहब सुनो, अगर आप मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे, गलत बात है, देखो मेरी बात सुनो, गलत बात, देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब तो ये है ना, गलत बात है, देखो गलत बात नहीं, यानी आप लोग अंदर भी ठुकराओगे और इस तरह भी बोलोगे ना, मैं गलत बात नहीं सहन करूंगा। देखो हम आपकी एक एक खबर दिखाते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, मेरी बात सुनो, वोट आप लोगों ने दिया, हमने खबर दिखानी है माता की। विधायक जी ने ना जाति से ऊपर उठ के काम किया इसलिए वो जीते हैं, उसने किसी एक जाति है, सुनिए मुकाबला कड़ा था। देखिए वो चुनाव में जीत तो एक वोट की भी जीत है, इसमें किसी का अगर आप मजाक उड़ाओगे तो कल को खुद भी मजाक बन सकते हो। चुनाव तो हर 5 साल में वो गलत होगा जी, किसी जाति का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ऐसे भी जाति ने मिलकर सहयोग किया विधायक जी का और कार्यकर्ताओं की मेहनत। जो जी अब तो मेरे को लगता है कैबिनेट मंत्री बनते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कबीरपंथी जी ने जो अपना आज जीत दी है पूरे हरियाणा के देह तुल्य जनता ने, नीलोखेड़ी ब्लॉक सोंकड़ा गांव से हैं हमारी, जो पूरे हरियाणा से हैं, हरियाणा की जीत हुई है, हरियाणा के देह तुल्य जनता ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत करके हैट्रिक लगाई है, ये पूरे हरियाणा की जनता की जीत है। नीलोखेड़ी बरोंडा हर जनता करनाल की 900 विधानसभा सीटों से कमल खिला है, आज काम के नाम पे मोर लगी है,
बिना खर्ची बिना पर्ची काम किए है। ये दबंगों की सरकार नहीं है, आम जनता की सरकार, आप देख सकते हो आम जनता करी है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी, आप लोगों ने ग्राउंड पे वर्क। यस सर बिल्कुल सही उपल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी। सुबह ही जलेबी जो बांटनी शुरू करती थी, जलेबी आजकल बहुत मशहूर है हरियाणा में, और क्योंकि आपने पता क्यों मशहूर है जी, जलेबी लड्डू कम थे, जलेबियां ज्यादा थी, वो 6 बजे 5 बजे जलेबी शुरू होगी जी, लेकिन वो 10 बजे तक सिमट गई। गोरंडा में दौरे बहुत हुए, भूपेंद्र सुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट सब लोग आए, लेकिन जो चुनाव के नतीजे बता रहे हैं वो ये है कि मुकाबला कड़ा जरूर था, लेकिन अंत में लोगों ने जो मोहर लगाई वो बीजेपी पे हरविंदर कल्याण। हाँ जी बिल्कुल बीजेपी पे लगाई सर। देखिए पिछली बार 19,000 वोट से शायद जीत थी, जीत तो एक वोट से भी जीत है, लेकिन अगर फिर भी ग्राउंड पे अगर काम हुआ है तो जाहिर तौर पर नतीजों में बदला भी है। सर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का मैं फैन हूँ शुरू से ही, आपके चैनल का फैन हूँ सर मैं, और आपका भी, लेकिन आपके इसलिए फैन हूँ क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से खबर दिखाते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा आज बीजेपी की गोरंडा में ईमानदारी की, सच्चाई की और एक शरीफ नेता की जीत हुई है सर। देख सकते हैं जो तमाम भाई, किसके भाई है? अच्छा आपका भाई है। हाँ जी क्या कहना चाहते हो जिस तरह से नतीजे आए हैं? जी जी जी। क्या लग रहा था कि इतनी यानी कि जीत हो जाएगी? एक महीना पहले की बात है, विधायक जी घर गए थे और मेरी वीडियो चला कर देख लो, अरविंदर कल्याण तीसरी बार और वो सत्य की बहुत बड़ी जीत है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी सर बेसर्ज मजबूती। और देख सकते हैं फिलहाल बीजेपी के जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, मेरी आप सभी को बोलो इस वीडियो को देखने से साथ साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं BN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। दिवाली मन गई है दोबारा से, हमने दीपावली पहले से ही मना लिया रविंदर कल्याण की वजह से।